स जी हाँ तो कल ही मैंने मेजर साहब का वीडियो किया था नहीं शायद आज ही गया है वीडियो और उस वीडियो में मेजर साहब ने बताया कि ऐसी खबर आई है जो फॉर्मर पीसीबी के चीफ हैं उन्होंने का बयान आया है कि भाई भारत से आप लड़ाई मत लड़ो बीसी से लड़ाई लड़ोगे आपका नुकसान होगा खुद कहने की पाकिस्तान का पीसीबी को बुलाऊंगा तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है भाई क्या राय रखती है पाकिस्तान के फॉर्मर जो है पीसीबी के चेयर पर्सन खालिद महमूद ने एक एक्स पे लिखा पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेट बोर्ड है आप उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते आईसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं आया साथ साथ उन्होंने ये कहा है पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते आपको इंडिया की बात माननी पड़ेगी और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता चैंपियन ट्रॉफी के लिए दो में तो श्रीलंका उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भी इंडिया की ही पैरवी करेंगे और पाकिस्तान को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर मार्केट देखें तो अट्ठारह हज़ार से उन्नीस हज़ार करोड़ की और पाकिस्तान की टोटल मार्केट देखें क्रिकेट की चार है तो जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पंगा नोट चंगा आप एग्री हैं खालिद महमूद साहब के स्टेटमेंट से सबसे पहले तो मैं रियलिटी पे बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि मतलब इंडिया का असल और सूख है अमल दखल है वो ज़्यादा है ठीक हो गया। है और वो पावरफुल भी हैं इस चीज़ में अब रही बात पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें इंडिया नहीं आएगा जी तो मेरी राय के मुताबिक अगर वो नहीं आना चाह रहे तो उनके बगैर ही इनको चैंपियन ट्रॉफी करनी चाहिए हाँ अब अगर आप ये पूछते हैं कि उसके इफेक्ट क्या है बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा ठीक है जैसे अभी आपने कहा कि दूसरी कंट्रीज भी नहीं आएगी मतलब फिर आईसीसी तो कुछ भी ना हुआ ना तो यही तो इंडिया कह रहा है है कि भाई आईसीसी हमारी पॉकेट में है। तो फिर अपने ये क्रिकेट ना हुई ना हा? मतलब ये फिर खेल ना हुई हा? वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डेटी गेम कर रहे हैं तो इंडिया अरे भैया तो क्यों पॉलिटिक्स ना करे हम ये बताओ ना क्यूँ पॉलिटिक्स ना करें हम करेंगे पॉलिटिक्स आप भी जवाब दो पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स का जवाब तो पॉलिटिक्स है ना इट मीन्स कि आप पॉलिटिक्स में भी कैपेबल नहीं हो अरे क्या बोल रहा हूं पॉलिटिक्स में तो वैसे भी तुम कैपेबल नहीं हो ना यार तुम्हारे तो पॉलिटिक्स होती नहीं है तुम्हारे यहां पार्टियां भी बूटों के तले रौंदी जाती हैं और जो नहीं रौंदना चाहते वो बूट चाटते हैं तो तुम्हारे तो पॉलिटिक्स है नहीं तुम लोग तो क्या समझोगे पॉलिटिक्स क्या होती है चलो फिर भी अगर बीसीसीआई पॉलिटिक्स कर रही है तो तुम भी करो पॉलिटिक्स तुम्हें किसने रोका है पॉलिटिक्स नहीं करने से किसी ने रोका है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तुम सोच नहीं सकते तुम्हारे पास आ, सोच नहीं है तो ये मेरी गलती तो नहीं है या बीसीसीआई की गलती नहीं तुम्हारी गलती है तुम कैपेबल नहीं हो तुम जाहिल हो तुम सिचुएशन नहीं समझते हो हम तो करेंगे और जो करना है कर लो जाओ जो करना है कर लो क्योंकि तुम्हें बस तलवार चलानी आती है दिमाग चलाना नहीं आता समझे? तो इंडिया को ये डर्टी गेम नहीं करनी चाहिए हुँ. उनको इसको एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रखना चाहिए दिन पहले उन्होंने बकायदा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पोस्ट शेयर की थी और जिसमें पाकिस्तान का आ, बताया गया था कि 2025 में पाकिस्तान में हो रही है दो में इधर हो रही है चैंपियन ट्रॉफी हाँ। को लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में होनी है ये नहीं है दूसरी बात अगर इंडिया नहीं आ रहा आप कह रही है की जी वो बड़ा रिच बोर्ड है तो वो होगा अपने देश में होगा अपने मुल्क में होगा हमारा बोर्ड भी किसी से कम नहीं है और रही बात टिट फॉर टैट अमेरिका पावर, अरे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन होगा बनेगा यार हमें क्या है? हम भी किसी से कम नहीं है पैंट फटे तो फटे नवाब ही ना घटे पैरों में चप्पल ना हो आ, हम किसी से कम नहीं हम राजा है हम दो महाराजा हैं राजा हैं ये अदा बहुत पसंद है मुझे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंडिया है तो हम मैं यार ये क्या बात है मतलब ये तो गलत बात है ना अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप अमेरिका के अंदर होने वाला इस वक्त टी वर्ल्ड कप देख लें वहाँ पाकिस्तान तो मेजबान नहीं था हाँ। पाकिस्तान था मेजबान नहीं नहीं अमेरिका था जाहिर है हाँ। अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिल करवा रहे थे अच्छा। वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अलावा बाकी तमाम रेवेन्यू इकट्ठा कर ले आप वो नहीं हो सकता वो यही तो आए नहीं, नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता, सकता वहाँ मसला यहाँ ये यह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया जाए हाँ. मसला पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रेवेन्यू का है मसला ये है कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान अगले किसी भी इवेंट पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा क्योंकि इंडिया जहां टिकट दस डॉलर की मिलती थी किसी भी मैच की इंडिया पाकिस्तान में वो दो हजार डॉलर में बिक रही है आपके पास अब तू जो है चमन हुतिया है भाई क्योंकि तूने फैक्ट्स नहीं पढ़े तूने खबरें नहीं पढ़ी तूने एनालाइज नहीं किया है तेरी नॉलेज है जीरो फॉरवर्ड मैसेज पढ़ लिए तूने दो चार दोस्तों ने गप बता दी सुन लिया तूने तूने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू है मानता हूं मैं रेवेन्यू होता है तो ये बता इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेला ना अमेरिका में तो ये बता आईसीसी को पता है तुझे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप उधर आ, कराने से कितना नुकसान हुआ है स्क्रीन लगा देता हूँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बाद भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तेरे कम अकल में ये बात घुसेगी नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बाद भी रेवेन्यू नहीं आया उतना पहली बात पहले फैक्ट में गया तू दूसरा फैक्ट तू ये कह रहा है कि दूसरा फैक्ट तूने क्या बोला कि हां कि हम नहीं जाएंगे हम नहीं करेंगे अच्छा तेरी औकात है इतनी अरे तू छोड़ तू तो पाकिस्तान का एक दो कौड़ी का आदमी है तेरे पीसीबी की औकात है खुला चैलेंज है यार पीसीबी के औकात है तो करवा के दिखा दे एशिया कप में क्या हुआ था भूल गया एशिया कप में क्या होता है स्क्रीन लगाता हूं अरे मेरी मेरे में मेमोरी बहुत तेज है तेरी मेमोरी तुम लोग की तो घसियारे हो ना तुम लोग याद ही नहीं रहती बात तुम लोगों को रमीज राजा थे तेरे चीफ क्या कह रहे थे हम नहीं जाएंगे भारत अगर एशिया कप में खेलने नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने और ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है सारा ड्रामा हुआ महीनों तक ड्रामा चला भारत की टीम नहीं गई खेलने पाकिस्तान एशिया कप भारत की टीम ने श्रीलंका में मैच खेले पीसीबी को घुटनों पर आना पड़ा जबरदस्ती थूक कर चाटना पड़ा रमीज राजा को नौकरी भी गई रमीज राजा के चक्कर में हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना हम नहीं गए हमने कहीं और मैच खेला उसके बाद जो दावा हो रहा था कि भारत नहीं जाएगी टीम पाकिस्तान की अबे तुम लोग आए ना भारत खेलने अबे चमन होती चमन चोमू दो कौड़ी के पाकिस्तानी तुम लोग फैक्ट पढ़ते उड़ते नहीं हो तुम लोग इसलिए नंगे होते हो जैसे मैं फैक्ट फेंकता हूं और तू कह रहा है एक डॉलर और दस डॉलर दो हजार डॉलर की टिकट सुन भारत अगर तेरे यहाँ नहीं गई ना टीम खेलने हालांकि अभी इसका ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया बीसीआई का या आईसीसी का या इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक अगर नहीं गई ना तो तेरे यहां कोई देखने नहीं आएगा मैच और बाकी हमारे यहां छोड़ दे हमारे यहां इतने लोग हैं हमारे पास कि हमारे मैच में कमी नहीं होती समझा हमारे मैच में दर्शकों की कमी नहीं होती हमारा रेवेन्यू तो दिखा दे कभी किसी टूर्नामेंट को कराने के बाद हमारा नुकसान हुआ हो दिखा दे चैलेंज है तेरे को दिखा दे में कहता हूँ पाकिस्तानी ऐसे कमकल लोग हैं पता नहीं इनके माँ बाप कैसे इनको बर्दाश्त करते होंगे अब इनके माँ बाप भी तो वैसे ही होंगे ना कमकल वैसे कहना नहीं चाहिए कहना नहीं चाहिए लेकिन जो समझदार माँ बाप होंगे वो अपने बच्चों को ऐसी बातें बोलने से रोकेंगे कि वैसी बात करो जो फैक्चुअली करेक्ट हो जो हवा हवाई बात ना हो जो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास फैक्ट्स हों हमारे माँ बाप ने तो ये सिखाया भैया कि कोई ऐसी बात मत करो झूठी बात मत करो जिसको बाद में शर्मिंदा होना पड़े कोई तुम्हारे सामने फैक्ट ला रख दे और तुम शर्मिंदा हो जाओ इसलिए आपने कभी मुझे ऐसी बात करते हुए नहीं सुना होगा जब मैं हवा हवाई करता हूँ मैं सिर्फ फैक्ट ला लेके आता हूँ मैं की बात हंड्रेड परसेंट एग्री करती हूँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच टी ट्वेंटी हो ओडीआई हो या चैंपियन ट्रॉफी हो नहीं होगा आई सी सी को अपने पल्ले से पैसे भरने पड़ जाएंगे इत, इंडिया और पाकिस्तान में ही क्रिकेट को जो है ना पूजा जाता है क्रिकेट के अंदर इमोशंस है जज्बात है मोहब्बत है लेकिन आपको याद है जब इंडिया ने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा वो उन्होंने वन टाइम कहा था और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और हम जो है दो हजार तेईस में बाबर की कप्तानी में चले गए थे अब उन्होंने दो दो तो हमारा है। बड़ा जर्फ है ना। यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि दो की है, अच्छी सीटों के साथ की लेकिन ये वाला अब वहाँ की अवाम भी समझ चुकी है कि ये जो मजहब की आड़ लेकर ये जो फाशिज्म है इसके साथ मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता सर, क्रिकेट का तो ना मजहब के साथ ताल्लुक है इनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है इनका पिछवाड़ा जल रहा है अबे सुन, मैच एक रन से जीते, पांच रन से जीते दस विकेट से जीते चार सौ रन से जीते रिजल्ट में लिखा जाता है कि इन्होंने मैच जीता मोदी सौ सीट लेके पीएम बना दो सौ सीट लेके पीएम बना चार सौ सीट लेके पीएम बना उसको फर्क नहीं पड़ता फर्क यह पड़ता है कि वो पीएम तीसरी बार भी बन गया और तुम लोग जल्द इसलिए रही है अब रिजल्ट मायने करता है कंट्रोल किसके हाथ में अभी भारत के हाथ में भारत का पीएम कौन है मोदी है तीसरी बार बना है और ये उस देश का बंदा कह रहा है फासिस्ट गवर्नमेंट अरे तेरे बाप से सर्टिफिकेट चाहिए हमें फासिज्म का या तेरे दादा से चाहिए बोलना सुन के मिर्ची लग रही है मेरा ये काम है मैं और मिर्ची लगाऊंगा तेरा बीपी और बढ़ाऊंगा और फिर बीपी की दवाई लेने जाएगा तो वो मेड इन इंडिया दवाई होगी तो अगर असल मुसल्म ईमान वाला बंदा होगा ना पाकिस्तानी तो तू जाके दुकान पर कहियो मुझे मेड इन इंडिया दवाई देना मत तू लेकिन यार तू तो, तो मर जाएगा फिर वैसे बोलना नहीं चाहिए मतलब मरेगा नहीं मतलब हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि दवाई पाकिस्तानी तो मिलेगी नहीं तुझे वैसे फिर तो इंडियन दवाई खानी पड़ेगी आप तुझे पर ये सीरियस बात कह रहा हूं मैं अगर जरा भी गैरत बची हो तो इंडियन दवाई मत खाइ तू तालुक है बना दिया गया ना हिंदुस्तान हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बना चुकी है वो हर जगह पे हर इशू के अंदर हिंदू मुस्लिम मामला लेकर आती है चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो खेल हो चाहे वो कोई भी मैदान हो वो इंडिया पाकिस्तान का जो वो आप समझ रहे हैं कि वो रेबल वाला सीन है वो उसको मुकम्मल तौर पर कैच करते हैं रही बात इंडिया नहीं आएगा तो लग सुन चमन होती है अब तेरे इस बात को भी काटता हूं तुझे चैलेंज है अगर अपनी मां का दूध पिया है तूने चैलेंज तुझे एक बार बता दे कि, कि किसी एक गवर्नमेंट ने बयान दिया हो कि ये ये जो मैच हमने जीता है ये हिंदुओं की जीत है है ये की जीत है। एक बयान बयान दिखा दे मैं बयान दिखाता हूं तेरा मंत्री था शेख रशीद स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कहता है कि भारत को हराया है पाकिस्तान ये इस्लाम की जीत है बेटा मैं भिगो भिगो के थप्पड़ मारता हूं और मैं बहुत बुरा मारता हूं आज रात को तेरी नींद में मैं भी आऊंगा समझा किसने कहा था बे तू भारत का एक बयान दिखा दे ऐसे तेरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मोरक्को की टीम जब सुपर एट में अब सेमीफाइनल में पहुंचती है फुटबॉल वर्ल्ड कप में तो कहता है कि इस्लाम की जीत हुई है इस्लाम की टीम पहुंची है इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है तू एक बयान दिखा दे हमारा कभी ऐसा बयान आया हो कि हिंदुओं के लिए टीम पहुंची है हिंदुओं की जीत है ये दिखा देना बेटा पाकिस्तानी पार नहीं पा पा पाओगे भारतीय से और मैं ऐसे भिगो भिगो के मारता रहूंगा और तुम लोग ऐसे ही बयान देते रहो मजा आता है ना यार जब तुम झूठ बोलते हो जब तुम हवाई बातें बोलते हो और मैं फैक्ट लेकर आता हूं चैलेंज है तुझे चैलेंज है तुझे अगली बार वीडियो में आ और फैक्ट लेकर आ दिखा दे एक बयान किसी एक हमारे फॉर्मल प्लेयर की बात सुना दे जो ये कहे कि पाकिस्तान में जाकर हम जीते और मुसलमानों की धरती पर जाकर जीते और वहां पर हमने पूजा की थाल निकाली और आरती की और ये हिंदुओं की जीत है बड़ा मजा आया देख के दिखा दे किसी एक प्लेयर की बात और मैं सुनाता हूं हूँ वकारी क्या कह रहा था सुन और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशा उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर सो दैट वॉज रियली Uh, very, very for me. और इसके बाद जब बम्बू हुआ गलती से हो गया समझे तो ऐसे हम धोते भी हैं ठोकते भी हैं और थूक के चटवाते भी हैं तू भी थूक के चाटेगा साबित कर दे अगली बार फैकले करा वीडियो बना अपनी माँ का दूध पिया है तो ठीक है जो बातें मैंने कही है फैक्ट के साथ कही है इसका काउंटर लेके आया तू तो फैक्ट के साथ तब तो बात बनेगी बे वरना तुम लोग तो सरेंडर करने में माहिर हो करोगे ही सरेंडर आईस हम हम ये नहीं कह रहे कि हम इंडिया को पता लग जाएगा हम कह रहे हैं आईसीसी को पता चलेगा पाकिस्तान भी नहीं तो यही तो बात है आईसीसी या आ है। दुबई में ले जाएगा इंडिया इधर नहीं आएगा क्यों ले जाएगा जब ये जाएगा तब बताना आप मुझे नहीं जाएगा इंडिया साहब जब इंडिया थे इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे क्यों भेजी अपनी टीम कब तब रमेश राजा साहब थे पहले आप अपनी नहीं तब अभी तक हटे नहीं यही राजा कोई ही कहते रहे यही तो कह रहा रहे पाकिस्तान पाकिस्तान के मारूफ लीडर हाँ। अवाम के सोड मारूफ लीडर इमरान खान साहब की के अंदर हाँ। रमीज राजा चेयरमैन थे और उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे और उसी दौर हाँ, तो 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 नहीं नहीं इस गवर्नमेंट ने तो स्टैंड करना शुरू किया रिजल्ट मायने रखता है और कुछ नहीं गवर्नमेंट किसकी थी नहीं थी इसकी गलती उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट किसी की हो टीम किसकी कही गई टीम क्या वो कही जा रही थी कि इमरान खान की टीम जा रही है या पाकिस्तान की टीम जा रही है भारत या ये कहा गया कि इमरान खान के प्लेयर जा रहे हैं या ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्लेयर गए भारत ये कहा गया अबे अकल नहीं है अभी क्या तुझे बे उसका सरकार किसकी उससे क्या मतलब है अगर चारों जंगे तुम हारो हारे तो ये कहोगे कि नहीं नवाज शरीफ पीएम था इसलिए हार गए अबे तेरी फौज हारी ना पीएम पाकिस्तान की फौज हारी पाकिस्तान हारी जंग पीएम कौन था आर्मी चीफ कौन था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हो ना यही तो कमकली है साहब के बाद अगले साल कोई और आ जाते और वो पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी हो और ये जो टीम को दुबई ऐसी ले जाते तो फिर आप ये कहेंगे कि ये फेलियर तो, है मेरी बात सुने पहली बात तो ये है कि जो मुल्क मफाद के लिए बेहतर होता है ना उस वक्त जो गवर्नमेंट होती है वो उस हिसाब से फैसला सुने एक मिनट इंडिया यहाँ पर आके चैंपियन ट्रॉफी के लिए दो अरब रुपए हमारे लग सकते हैं शर्त लगाकर इंडिया आ रहा है लाहौर में मैच खेले आ रहा, मैं बता देखिए अगर विराट कोहली रोहित शर्मा यहाँ पर जसप्रीत बुमराह बड़े बड़े प्लेयर जो भी स्पॉट उनका अनाउंस होगा हो आएंगे हमारे मुल्क में इंटरनेशनल टूरिज्म आएगा हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्या नाम है आजम खान बहुत बड़ा प्लेयर है यार बहुत बड़ा प्लेयर है यस इंटरनेशनल हमारे मुल्क में तमाम नेशंस के लोग आएंगे बेहतर होगी इंग्लैंड आया इंडिया ये नहीं चाहता ना वो कह रहे करेंगे दो टके पाकिस्तान को तो वो खुद मर रहा भूखा यही तो मसला है उस गवर्नमेंट का दुनिया के फिफ्ट लार्जेस्ट है इकोनोमी अच्छा इसको भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं ये भी थोड़ा सा ना हमें भूल भुलैया में अब देखें वहाँ की आबादी कितनी है एक सौ चालीस करोड़ वहाँ का बजट कितना है अरबों में ही होगा नहीं वहाँ उनका जो रिजर्व पड़ा हुआ ना वो पाँच सौ कितना छह सौ सत्तर हमारा कितना है से, है आठ कम है ना क्योंकि वहाँ एरिए के हिसाब से देखें कि हम कहाँ हैं हम उनके एक सूबे जितना हमारा मुल्क है यानी कि अगर उसकी वही परसेंटेज तो एक एक पूरे पाकिस्तान को नहीं 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 मैं वही बता रहा हूँ आप उनकी इकोनोमी को वहाँ के सूबों पे तकसीम तो करें और उसके बाद निकालें पाकिस्तान का उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान का पॉपुलेशन और एरिया सेम मैं, मैं, है उनका बजट हाई आप भाई वही तो कह रहा हूँ करे ना यही तो मसला है मसला ये नहीं है कौन सा मैथ लगाए भाई ये पाकिस्तानियों ने अलग मैथ बनाया है क्या कुछ भाई ये बहुत बड़ा चमन चोमू है बे चमन हुतिया है यार ये 670 बिलियन डॉलर का मतलब पता है बेटा तुझे पता है तेरा पीएम भीख मांग रहा है हमारा पीएम नहीं मांग रहा है ये फर्क है तेरा पीएम जहां जाता है वहां कहता है यार कुछ पैसे दे दो कर्जा दे दो आईएमएफ दे दो हमारा पीएम आईएमएफ के पास नहीं जाता है और तू कह रहा है कि हमें जरूरत कम है अबे जब जरूरत तेरी कम है तेरा आठ बिलियन डॉलर हो जाएगा वो भी किसी के उधार दिए हुए हैं तो आई के पास जाकर रगड़ क्यों रहा है अभी क्यों रगड़ रहा है लेटा क्यों हुआ है आई के पास हम तो नहीं गए आई एम के पास बता कभी जमाने पहले गए थे ऐसे बीस तीस साल पहले वहीं पर फिर उसमें हमने लात मारी में का फैक्ट से कोई नाता नहीं है यार तू कह रहा भूखा अबे अपने यहाँ देख आटे की लाइनों में लोग खड़े रहते हैं हमारे यहाँ कभी देखा तूने आटे की लाइनों में खड़े हुए लोग कभी बता दे पिछले दस पंद्रह साल में ये नहीं है कि उनका वो लार्जेस्ट बिल्कुल इकोनॉमी है लेकिन क्या वहाँ भूख खत्म हो चुकी है वहाँ कितने परसेंट में आपको बताइसिस है फाइव परसेंट नहीं? उनकी थर्टी फाइव परसेंट लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के ये हमारा फिगर है सर उनका <laughs> ये हमारा है ना <laughs> हमारा। उनका आप निकाल लें हाँ। उनका डबल में सर अभी पच्चीस करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है निकाल जिन्होंने वर्ल्ड बैंक किसने निकाला है वही कह रहा हूँ ना यही तो गलत चीजें है ना हिंदुस्तान का सिर्फ पच्चीस करोड़ नहीं 415 मिलियन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है स्क्रीनशॉट लगा दिया है 415 मिलियन और इस इसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है सामने होता तो अभी दो थप्पड़ जड़ चुका होता मैं इसको वो टीचर होता है ना थप्पड़ मारता है जब स्टूडेंट समझता नहीं है तो वही करना पड़ता है इसको अब जाके पढ़ पाकिस्तान में 40 परसेंट गरीबी है गुरबत जिसे तुम लोग कहते हो ना फोर्टी परसेंट है और भारत में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी स्क्रीन शॉट लगा दिया पढ़ ये भारत की रिपोर्ट नहीं है एक्सटर्नल रिपोर्ट है एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी हमने इलिमिनेट और सुन और भी सुन ले जो नॉर्मल है ना पॉवर्टी वो पांच से सात परसेंट है हमारे यहां इतनी बड़ी आबादी के बाद भी और तेरे यहां फोर्टी परसेंट है और वैसे तेरे के इकोनॉमिक्स की माने तो सेवेंटी परसेंट लोग यहां गरीब हैं, परसेंट, समझा सेवेंटी परसेंट का कहता है तो उससे दो कौड़ी की नॉलेज नहीं है उसकी पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है वो अब थर्टी फाइव परसेंट है, है। उसके भी आगे जो है वो गरीब है वहां क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से पहले वो बनाते थे और खा लेते थे अब वो भी डूबे हुए हैं तो वो टोटल बारह मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए खाना चाहिए इसके ऊपर ये ये सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने स्ट्रेटी नहीं है कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट ऑफ़ डूइंग थिंग्स में में की सुन लिया बेटा आज आज गलत गलत जगह तुम तुम पड़ गए ये बातें तुमने आगे कर दी आज तुम लपेटे में आए हो और तुझे जब तू निकले घर से तो लोग देख के तेरे पे हंसे और कहेंगे जिसकी धुलाई की है उधर भारत वाले ने तेरा मजाक बनवाऊंगा मजाक और नहीं बनना मजाक तो फैक्ट लेके अगले वीडियो में सिर्फ दिखावा है उस दिखावे की आड़ में कई आप जैसे मेरे जैसे मासूम लोग जो है यहाँ पे आप वही बात मासूम यहां लोग पे, उनके पीछे ये दिखावा हिंदू मुस्लिम फसादात मणिपुर का मामला यार इतने नक्सलवादी वहां आप तरीके देखे बंद हो गई हैं वहां लोगों ने जो है वो जो निकले हुए थे स्टेट के खिलाफ वो बंद हो गई खालिस्तानी मूवमेंट बंद हो गई नक्सल मूवमेंट बंद हो गई है इतनी तरक्की कर गया हिंदुस्तान किस तरह बेबकू बनाया जा रहा है हमें सिर्फ तेरे यहाँ बी बंद हो गई है बलूचिस्तान मूवमेंट बंद हो गई है पश्चूनिस्तान मूवमेंट बंद हो गई है सिंधु मूवमेंट बंद हो गई है टीटी वाले बंद हो गए हैं बता ना भाई हमने तो धीरे धीरे कम कर दिया जाके तो पंद्रह साल की स्टडी कर बेटा कि पंद्रह साल पहले भारत में क्या क्या चीजें हो रही थी पंद्रह साल बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे तभी होगा मामला सेट समझे बेटा पढ़ो जाके जरा पढ़ो ये तुम पचास साल पुरानी जो बातें चल रही है ना वही बातें तुम लोग अभी भी कर रहे हो इतना बड़ा ऑपरेशन किसके खिलाफ तुम्हारे यहाँ लॉन्च किया गया है समथिंग सिर्फ दिखावे और हम कि बेवकूफ बनते जा रहे हिंदुस्तान हिंदुस्तानी तो गलत बात है ना ये ICC ICC मैं नहीं मानता आई सी सी आपको देखे क्योंकि मैं अपना टॉपिक स्पोर्ट पे ही रखना चाहता हूँ रखे ना आई सी आपको क्या लगता है बी की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो जिस तरह की खबरें आ रही है जिस तरह से ये जो है, के चीफ तो है, है। के नहीं आएंगे आप पैसों की नजर कर देंगे और उसको भी इसी तरह जो है वो अनार्किजम की तरफ लेकर जाएंगे या रेसिज्म की तरफ लेकर जाएंगे या आप इसको एक ही मुल्क तो ये खत्म हो जाएगी ठीक है कोई नहीं देखेगा आज जैसे हॉकी का हाल हुआ आपके सामने क्रिकेट का भी यही होगा यार क्यों एक ही मुल्क के घुटन क्यों घुटने टेकने हैं जरूरी पैसा जरूर पैसा दो टीमों के साथ आता है वो है पाकिस्तान इंडिया ठीक है मेजबान कोई भी हो ये मैटर नहीं करता पाकिस्तान मेजबान है नहीं है मैटर नहीं करता मैच दोनों का मैटर करता है तो इसमें मेजबानी कहीं भी नहीं आती अगर आईसीसी अगर इस बार इंडिया यहाँ नहीं आएगी अगर पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ क्रिकेट आपको देखिएगा किस तरह खुडे लैंड लगती नजर आती है देखेगा ही कोई नहीं आपकी सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया और पाकिस्तान की है ठीक है दौरे तो सियाने हैं ना चलो जी वीडियो खत्म कर दे कोई नहीं देखेगा अपना पीएसएल समझ लिया क्या तूने हमारे आईपीएल में पाकिस्तान की टीम आती है क्या खेलने बिजनेस पता है आईपीएल का कितना है अंदाजा है तेरा पीएम लेट जाएगा हमारे आगे जितना हम आईपीएल से कमाते हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं क्या अबे चोमू जब आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट हम कराते हैं जब व्यूवरशिप आती है पैसे आते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स में तेरी क्या वो है? तेरी दो कौड़ी की टीम तेरी भाषा में समझाऊंगा कई पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा मैं क्यों बोल रहा हूं पाकिस्तान की टीम को लेकिन बोलूंगा क्योंकि इसने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जवाब वैसे ही भाषा में आएगा गाली देगा गाली खाएगा जिस लैंग्वेज में बोलेगा उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगा जिसको जो समझना है समझता रहे समझे तो वहां तो टीम नहीं आती पाकिस्तान की लेकिन बिजनेस तो हमारा तब भी चलता है तेरे पी के बजा के रख दिया हमने कितना कमाया भाई तूने पीएसएल में और तेरे प्राइज मनी क्या है पीएसएल के और आईपीएल की प्राइज मनी देखी है और तू कल को तू अपने अब्बा को मानने से इनकार कर दे बोले कि तू मेरा अब्बा नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा भाई तेरा तेरा मसला है तू नहीं मानेगा हमें तेरा मसला है भाई हमारा मसला नहीं है और क्रिकेट का गेम कैसे करना है और उससे पैसे कैसे कमाना है हम जानते हैं तुझे क्या लगता है कि हम अमेरिका क्यों लेकर गए हैं क्रिकेट अमेरिकन टीम में इतने इंडियन क्यों हैं तुझे क्यों लगता है ऐसा आइडिया नहीं है तुझे नया मार्केट ओपन अप किया है हमने दुबई में आईपीएल होंगे तुझे क्या लगता है क्यों और हा हम करेंगे ऐसा और पाकिस्तान की टीम खत्म कर देंगे और बोल कर देंगे खत्म तुम में गैरत बची है तुम में अगर गैरत बची है तुम बाइकॉट कर दो कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तुम ये कह रहे हो ना कि पैसा भारत और पाकिस्तान के मैच में आता है तो पाकिस्तान के हाथ में तो यह सुनहरा मौका है पाकिस्तान के पास सुनहरी ताकत है ये मना कर दे इंडिया घुटनों पर आ जाएगा बोलेगा कि अच्छा आप नहीं खेलेंगे हमारे साथ मैच हम आपके साथ घुटनों पर आते हैं प्लीज खेल लीजिए प्लीज हम अपनी ये बीच सीट सारी टीमें पाकिस्तान भेज देंगे है ना <laughs> अबे हमें मत समझाओ क्रिकेट में बिजनेस कैसे होता है और रेवेन्यू कैसे आता है अबे साले जाके पढ़ो कम से कम तुम लोग पहले जोड़ना घटाना सीखो पहले रुपए में गिनते हो और बात करते हो बिलियन और ट्रिलियन की हम करके दिखा चुके हैं समझे करके दिखा चुके हैं जितनी तुम्हारी आबादी नहीं ना उससे ज्यादा लोग हमारे एक विराट कोहली को फॉलो करते हैं एक अकेला जितनी तुम्हारी पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं औकात में रहो पजामे में रहो निकलो मत और तुम लोगों के वजह से ही ना ये सारी प्रॉब्लम होती है कि तुम लोगों में अकल है नहीं बिना फैक्ट के बात करोगे अंट शंट बकोगे तो सुनो फिर फिर तो हम तो, 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 तो तुम्हें नंगा करेंगे ना कपड़े फाड़ेंगे एक एक करके नंगे कर देंगे जैसा नंगा किया मैंने तुझे अभी तो भाई याद है ना फैक्ट के साथ आइयो अगले वीडियो में दोस्तों आप बताएं मजा आया कि नहीं आया पैसा वसूल वीडियो है ना जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद